हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ दिनों बाद नवरात्रि आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना नवरात्रि स्पेशल रेसिपी लाऊं। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी लाई हूं जो आप नवरात्रि के व्रत में आराम से खा सकते हैं उसको इजली, जिसका नाम है साबूदाना टिक्की। तो चलिए इसकी सामग्री के बारे में जान लेते हैं। दो आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने उबाल लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं बारीक कटी हुई। 1 कच्चा आलू लिया है जिसको कद्दूकस करके लिया है मैंने। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। 2 कटोरी साबूदाना लिया है, साबूदाना मैंने रात में भिगो दिया था और इसे अच्छे से धुल करके एक बाउल में ले लिया है। अब इसी बाउल में हम हरी मिर्च, लाल मिर्च, जितनी भी सामग्री थी वो इसमें डाल लेंगे। बॉईल किया हुआ आलू डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने मिला लिया है इसको सही से। अब इसकी हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। दोनों हथेलियों की सहायता से इसको गोल गोल टिक्की बना लेंगे हम। आप चाहें तो हथेली में तेल भी लगा सकते हैं जिससे कि ये चिपके ना। टिक्की हमारी सारी बन गई हैं। डीप फ्राई करने से पहले हम जो हमने कच्चा आलू लिया था, जो कद्दूकस आलू लिया हुआ था हमने, उसको हम पहले फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो अपनी मनपसंद कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देंगे जो हमने कद्दूकस कर लिया था। इसको हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अच्छे से इसमें चला लें। आलू के लच्छे हमें फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। निकाल के इसको टिश्यू पेपर पे रख लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें अब्सॉर्ब कर जाए। इसी कढ़ाई में हम लोग जो हमने टिक्की बनाई थी उसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए इसमें हम डीप फ्राई करते हैं टिक्कियों को। इनको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये एक तरफ से क्रिस्पी ना हो जाए, अच्छे से पक ना जाए, तभी इनको पलटेंगे। अब इनको मैंने पलट लिया है क्योंकि एक साइड से पक चुकी हैं। टिक्की हमारी क्रिस्पी हो गई हैं, बिल्कुल अच्छे से डीप फ्राई हो गई हैं ये। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर लगा के ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें सोख जाए। तो लीजिए दोस्तों, मेरे साबूदाना की टिक्की तैयार है। आप इसे आलू के लच्छे के साथ सर्व करिए। मैंने इसको सेब के साथ सर्व किया है, आलू के लच्छे डाल करके। तो आई होप आप सभी को मेरी यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, नवरात्रि में इस रेसिपी को ज़रूर इन्जॉय कीजिए और ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी यह रेसिपी कैसे लगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।
शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नवरात्रि स्पेशल की दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।